सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो यार आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि भैया नाटा और जेई मेंस पेपर 2 के अंदर जितने भी काउंसलिंग होने वाली है या फिर काउंसलिंग के प्रोसेस रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, किसी किसी के नाटा के एग्जाम के थ्रू रजिस्ट्रेशन चल रहा है, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करने का टाइम बहुत से काउंसलिंग के लिए स्टार्ट होने वाला है। जेई मेंस पेपर 2 के अंदर जोसा नाम की जो काउंसलिंग है जिसके अंदर एनआईटी आईआईटी में एडमिशन मिलता है, बाकी अगर बात करते हैं नाटा के थ्रू जिसमें भी स्टेट काउंसलिंग के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है, तो सभी कॉलेजेस के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं और उसके अंदर हमको भैया बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके जो मेनली कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि भैया डॉक्यूमेंट कौन सा क्या चाहिए होगा और कौन सा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमको पुराना ही काम चल जाता है, कौन सी कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए नहीं है, या फिर अगर किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कौन सी डेट का रिक्वायरमेंट आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो अपन आज की वीडियो के अंदर मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काउंसलिंग चाहे देखो भैया कोई सी भी हो, मेनली जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेन डॉक्यूमेंट सबके लिए कॉमन रहते हैं और अगर आप एक बार डॉक्यूमेंट बनवा लो उसके बाद आप चाहे जेई की काउंसलिंग कराओ, चाहे आप नाटा की काउंसलिंग कराओ, चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, किसी गवर्नमेंट में लो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर लो, सभी चीजों में एक ही तरह का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट सेम ही काम आएगा। ठीक है, जैसे अपन कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने बोलने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले अपन को चाहिए होगा वो आपके पास कुछ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, जो हमको चाहिए होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखें। नेक्स्ट बात करते जो कि है कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग, अगर मैं स्पेशली जोसा की बात करूं, जोसा काउंसलिंग, तो उसके अंदर आपको कैंडिडेट की अंडरटेकिंग चाहिए होती है। भैया अंडरटेकिंग क्या होता है, तो अंडरटेकिंग एक सर्टिफिकेट, एक फॉर्मेट होता है जो आपकी जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट फॉर्मेट के सेक्शन के अंदर, जहां पर आपको दिखता है कि भैया कैंडिडेट अंडरटेकिंग का एक फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करना होता है और साथ में अटैच करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते वो होता है भैया प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर हम जोसा काउंसलिंग की बात करूं तो जोसा काउंसलिंग के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी मिलता है अगर आपको सीट मिल जाती है, तो वो आपको देना पड़ता है, खैर वो काउंसलिंग के बाद की बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको चाहिए होता है वो एक ध्यान देंगे कि जेई मेंस या फिर नाटा का स्कोर कार्ड, जिस भी आप चीज में ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सेशन का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब नाटक की जब हम बात करते हैं तो भैया पेपर नंबर 1, 2, 3 तीनों का रिजल्ट अलग अलग आया था, यानी कि तीनों का स्कोर कार्ड आपके पास पड़ा है, बट लेकिन आपके पास जो फाइनल स्कोर कार्ड है उसके अंदर तीनों का एक स्कोर एक साथ लिखा होगा, उसके अंदर स्पेशली आपके मेंशन कर दिया होगा कि आपको जो फाइनल स्कोर है वो हमने बेस्ट ऑफ 3 या फिर बेस्ट ऑफ 2 लिया गया है, वो आपके क्लियरली मेंशन लिखा होगा, तो आपको वो वाला स्कोर कार्ड लगेगा। अब हम बात करते हैं जेई मेंस की, तो जेई मेंस के अंदर तो रिजल्ट एक ही बार आया है सेशन 2 के बाद, जो भी बहुत सारी स्कैम हो गया उसके अंदर, वो अपन बाद में बात करेंगे वीडियो के, तो उसके अंदर आपको वो वाली मार्कशीट चाहिए होगी। नेक्स्ट बात करते जो कि यार जेई मेंस या फिर नाटा का इसको एडमिट कार्ड, एग्जाम देने से पहले जब हम एडमिट कार्ड लेकर गए थे वो हमको एडमिट कार्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया कंफ्यूजन होगा कि नाटक का कौन सा एडमिट कार्ड ले, हमने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर किसी किसी ने सेकंड और थर्ड दिया है, तो जिस सेशन में आपके हाईएस्ट मार्क्स है उसका एडमिट कार्ड लेंगे, लगा देंगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10th मार्कशीट, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट क्यों ली जाती है भैया, 10th मार्कशीट का रीजन होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ DOB डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है वो 10th मार्कशीट में होता है, क्योंकि 12th मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, 10th मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होती है, तो एज अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, चाहे वो जोसा की काउंसलिंग हो या फिर चाहे नाटक की काउंसलिंग हो, किसी भी काउंसलिंग हो। नेक्स्ट बात करते भैया वैलिड फोटो आईडी कार्ड, आपको एक अपना आईडी कार्ड रखना है गवर्नमेंट द्वारा इशूड, जो मेनली सबके पास होता है आधार कार्ड, अब किसी किसी पास आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा यूज कर सकता है जो गवर्नमेंट इशूड हो, उसके अंदर आपकी फोटो भी दिख रही हो, ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड हो सकता है या फिर पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट साइज हो सकता है, मतलब पासपोर्ट हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर बात करते हैं जो कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ये सब चीज हो सकती है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट, अपने आसपास किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अब यह मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होता है, बिल्कुल होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए होगा तो आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा सर्टिफिकेट फॉर्मेट के सेक्शन के अंदर, ठीक है, बाकी अगर नाटा की बात करें तो नाटा वालों ने ऐसा कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया नहीं है, पर लेकिन अगर आप उसके नाटा के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जाओगे तो वहां पर हो सकता है आपको नीचे कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स के अंदर मेडिकल का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मिल जाए, बट लेकिन ऐसा कोई फिक्स है नहीं सेपरेट, उस फॉर्मेट के अंदर हो चाहे नहीं हो, अगर हम दूसरा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो भी चल जाता है, मेडिकल में इतना कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, बस गवर्नमेंट कोई डॉक्टर हो उसका हॉस्पिटल का डॉक्टर का होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट चलते जो कि हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब भैया किस जो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, स्पेशली बात करते हैं जनरल के अंदर, तो जनरल के अंदर ऐसा कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो, सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते हो, तो आपको एज ए आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली जनरल कंसिडर कर ली जाएगी। तो अगर हम ओबीसी के अंदर आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो हमको सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा,
अब यहाँ पर मैं एक कुछ बता दूं कि जनरल के लिए तो कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इससे जनरली होती नहीं है, पर लेकिन यह ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, अगला वो हमको चाहिए होता है। नेक्स्ट होता है ओबीसी एनसीएल के अंदर अगर आप हो तो उसका सर्टिफिकेट बनेगा, वो चाहिए होगा। एससी या फिर एसटी के अंदर हो तो उसका अलग सर्टिफिकेट होता है, वो हमको चाहिए होगा, जो भी आपके पास एप्लीकेबल है। या फिर इनकेस अगर कोई वीडियो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अंदर आ रहा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, तो उसका भी एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है इन सब के अलावा। एक और बहुत बड़ी चीज जो आपको बताता हूँ कि सब फॉर्मेट जो है वो सब आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, या फिर नाटक की भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको उसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर मिल जाएगा जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक और सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत बड़ी चीज आती है, वो ये कि सर्टिफिकेट भैया कब का बना होना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि भैया सर्टिफिकेट जो चाहिए होगा, स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं जोसा की काउंसलिंग, जेईई मेन की काउंसलिंग, जोसा की काउंसलिंग के अंदर जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है भैया, वो सर्टिफिकेट हमको चाहिए होता है लेटेस्ट वाला। अब लेटेस्ट वाला कब से बनाऊं, लेटेस्ट वाला मेरा बोलने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2022 यानी कि अभी जो अप्रैल गया है, 1 अप्रैल के बाद अगर आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया है तो वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के पहले का बना हुआ है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट चाहिए होगा, लास्ट ईयर भी सेम हुआ था, हर साल यही होता है, 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए आपके पास, लेटेस्ट वाला होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये हमको बनाना, याद रखना आपको। ठीक है, तो अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट देख लो, अगर नहीं हो तो जरूर से बनवा लो उसको। स्पेशली किसके लिए चाहिए होगा, दो टाइप के कैंडिडेट के लिए चाहिए होगा, पहला कौन सा ओबीसी वालों के लिए और सेकंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। EWS और OBC इन दो स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ। अगर बात करते हैं SC ST तो SC ST के अंदर जो पहले सर्टिफिकेट बना हुआ था वही चल जाता है, इसके अंदर लेटेस्ट या ओल्ड या न्यू ऐसा कुछ नहीं होता। SC ST में पहले वो चल जाता है सर्टिफिकेट जो भी आपके पास ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं PWD के लिए भी, मेन जो है OBC और जनरल EWS के लिए 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ चाहिए होगा। और सबसे बड़ी चीज जो शायद आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर्टिफिकेट के अंदर ध्यान रखना एक चीज, जो जब मैं एडमिशन ले रहा था तो मेरे साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और मुझे भी बहुत सही टाइम पे किसी ने बता दिया था कि सर्टिफिकेट के जो हमको एक दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है स्टेट का सर्टिफिकेट और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। तो भैया जब हम जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेईई मेन की काउंसलिंग, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग है। यहाँ पर जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं NIT SPA ये सब सेंट्रल फंडेड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनको चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप नाटक की काउंसलिंग के अंदर ओनली स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तब आपको स्टेट गवर्नमेंट का भी चल जाएगा, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चल जाएगा, स्टेट का भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे। कहां? स्टेट काउंसलिंग में नाटक के थ्रू, या फिर बात करते हैं ओनली जो आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। पर लेकिन आप जेईई के जोसा वाली काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको एडमिशन लेने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहां से भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वहां को जाके बोलना होता है कि भाई हमको सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाकर दे दो। सेम पैसे लगेंगे, सेम टाइम लगेगा, बस उनको बोलना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सही होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस ये एक चीज बहुत बड़ी ध्यान रखना है। मैंने भी स्टेट का बनवाया था मेरे टाइम पे, फिर मुझे जल्दी जाकर सेंट्रल का दूसरा बनवाना पड़ा। सेंट्रल का सर्टिफिकेट जल्दी बनकर आ जाता है क्योंकि सेंट्रल का सर्टिफिकेट जिसको बनवाना होता है उसको कुछ ना कुछ इमरजेंसी होती ही है, जैसे हमारे को इमरजेंसी है। ठीक है ना, ये चीज है। यहां तक की बात क्लियर है? तो ये सब कुछ आप जो भी लिस्ट बताइए ये सर्टिफिकेट मेन रहते हैं। अगर मैं स्पेशली बात करूँ जोसा की, तो जोसा के अंदर जब आपको सीट, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे और यहाँ पर कॉलेजेस का प्रेफरेंस फिल करोगे, या फिर मैं नाटकी भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, नाटकी भी जब किसी भी स्टेट काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करोगे और किसी भी स्टेट काउंसलिंग के अंदर अप्लाई करते समय अपने कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करोगे, या फिर हो सकता है आपने गुजरात की काउंसलिंग में अप्लाई किया था पहले, उसमें आपने कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर फिल किया होगा, या फिर आप करोगे, जब भी करोगे तो उस प्रेफरेंस ऑर्डर का या फिर पूरे फॉर्मेट का जो आप फिल कर रहे हो, फॉर्म एप्लीकेशन नंबर फॉर्म, उस पूरे का प्रिंट निकाल कर भी अपने पास रख लेना एज ए प्रूफ, ताकि जब काउंसलिंग के टाइम हमको ये पता चले कि मैंने ये वाला कॉलेज ऊपर फिल किया था पर लेकिन मुझे ये वाला कॉलेज नहीं मिला, तो प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ गलत हो गया, उनके उधर से मिस्टेक हो जाए, तो हमारे ट्रैप एज ए प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि मैंने ये वाला प्रेफरेंस ऑर्डर फिल किया था, तो ये मेरे पास है, तो ये हमारे पास एक प्रूफ हमको निकाल कर रख लेना। ठीक है, तो जो भी चॉइसेस आप फिल करोगे कॉलेजेस की एप्लीकेशन फॉर्म सबका प्रिंट हमारे पास हार्ड कॉपी के साथ हमारे पास होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हमारे पास रहता है किसका, डॉक्यूमेंट का पूरा, जो मैंने आपको बताया कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं जो आपको से मिल जाएगा। कोई चीज नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखें, डॉक्यूमेंट जितना जल्दी हो सके बनवा के रख लो, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर अपन बात करेंगे भाई NITs की कट ऑफ के बारे में, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई कि NITs और SPA की क्या कट ऑफ थी, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, अब की बार क्या डिफरेंस आने वाला है, फ्लक्चुएशन क्या होगा, वो अपन बात करेंगे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट बात करेंगे वो कि भाई जितना भी रिजल्ट के अंदर बहुत सारे डिले हुआ था, इस बार NTA का रिजल्ट के अंदर स्कैम हुआ है, उसके अंदर अपन ऑलरेडी ट्वीट किया
किए, मेल किए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेल और ट्वीट लगातार करते रहो, उसके अंदर अपना एफर्ट पूरा पूरा डालते रहो, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहो, जब जल्दी कॉलेज के ऊपर वीडियोस आती रहेगी आपको दिखती रहेगी कैसे कॉलेज चूज करना है, क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और एक और स्पेशल वीडियो मंडे को आपको दिखाई दे रही है, एक स्पेशल वीडियो, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखो, गुड बाय।